मॉर्निंग ऑल, मैं उपासना थी फॉर्मेट आई के कंफेशन टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है एप्रन। अच्छा सी एप्रन से गल करांगे। एप्रन की है, एप्रन कई तरह के होते हैं। जिस तरह की तुझे देखे होना कि स्टाफ नर्सेज एप्रन बनते हैं, लेकिन असं स्टाफ नर्सेज नहीं, असं खुद घर के वास्ते अपने ट्रेड के लिए सेविंग टेक्नोलॉजी एप्रन की महत्ता है। एप्रन एक इहो वस्त्र है जिहड़ा कि किसी भी शेप हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादातर प्रैफर करती हूँ डिजाइनदार एप्रन, क्योंकि साड़ी ट्रेड ही डिजाइनर है। तो सो दैट मैं डिजाइनदार एप्रन प्रैफर करती हूँ। वो तुम अंबरेला कट भी बना सकते हो, सो मैनी टाइप ऑफ डिजाइन इन एप्रन। बट नाउ आई हैव ड्राफ्ट यू सिंपल एप्रन, क्योंकि अगर तुम्हें सिंपल बेसिक आंदा होगा ना, तो तुम जो मर्जी कर सकते हो, तो उसमें कुछ भी डिजाइन दे सकते हो। हूँ मैं सिर्फ कमर का जो फ्रॉक टाइप या अस कहते स्कर्ट टाइप एप्रन होगा वह ही ड्राफ्ट दे रही हूँ मैं अगर, ठीक है। तुम मैं उम्मीद है ध्यान सुनोगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत कोई टफ नहीं है, विच कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंपल थोड़ा डिजाइन मैं तुम दस दी। डायग्राम किस तरह का है, सिंपल इस तरह का डायग्राम है, डायग लगाई जाती है, ठीक है। फ्रॉक नुमा दूंगा है, फ्रॉक नुमा है, इसको कर सकते हो, ठीक है। अजकल पॉकेट का रिवाज है, पॉकेट भी लगा सकते हो, अंडरग्राउंड पॉकेट भी लगा सकते हो, क्योंकि सारे अजकल मोबाइल रखते हैं। वैसे जो कमर वाला है उसमें साइड पॉकेट्स ही लगती है, जो दूसरा होंगे है दूसरे टाइप का होंगे भी लगती है। अरे अच्छे इसका ही गाइड चलती है जो पीछे कमर में बनन भी काम आती है। ये बेल्ट है जो पीछे कमर के नाल बनिया जा सकता है, कमर पे बनिया जाने वाला एप्रन है, सिंपल एप्रन, ठीक है। अंदर तुम पॉकेट्स भी लगा सकते, इन्ना तो थानू समझ आ गया। जरूरी ना कमर 22 इंच, कुल लंबाई 18 इंच, स्केल फुल अपने उसके फुल स्केल ला लिखिए जिसते आता है, क्योंकि कुल लंबाई 18 इंच, 18 इंच का पेज तो होंगे नहीं, पेज तो 10-10.5 इंच का होंगे, ठीक है। तुम उन्होंने 1.5 भी ले सकते हो, उसका एक बड़ा 4 भी कर सकते हो, यानी कि कुल लंबाई 18 है तो उसकी 3 और 4, ठीक है। स्केल फुल की जगह तुम 1.4 कर सकते, जिन्हों को दूसरे स्केल्स नहीं। मैं कल भी इस बारे दसिया 1.4 1.6 कर सकती हूँ, उस डिवाइड कर लेना है, जिन्ना वो नाप है उसमें डिवाइड कर लेना है। ਇੱਥੇ 22 ਇੰਚ ਕਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 22 ਇੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। 0 to 1 ਐਪਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ
जीरो तो दो एप्रन की चढ़ाई अर्ज का एक बटा दो सिंपल है जीरो तो दो एप्रन की चढ़ाई चढ़ाई अर्ज अर्ज लिखा है अर्ज का एक बटा दो अर्ज का एक बटा दो किन्नी चौंती इंच अर्ज है तो एक बटा दो किन्न हो गया सतारह इंच
खाना तैयार तक समय लग गया, क्योंकि जिन्नी आ चढ़ाई है उन्नी ही अद तक चढ़ाई को, जिन्नी आ वाली ऊपर चढ़ाई है उन्नी ही नीचे चढ़ाई है 11 इंच। ठीक है, इस तरह तुम जो करते हो बेल्ट है, जो बेल्ट तलिया है वो एक्स्ट्रा लगानी है, वो लंबिया भी हो सकती है। ठीक है, वो पूरी पूरे कपड़े के हिसाब न भी हो सकती। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है पीछे बनन वाली बेल्ट। ठीक है, जो एप्रन की कटिंग करांगे, कटिंग करना दसांगी मैं थानू कैसे करना है, वो कपड़े दे अर्ज दे साइड तो कन्निया वाले किनारे जिथे किनारा हुंदा कन्नी वाला सेल बेस हुंदी है उत्थों असीं वो बेल्टां पूरियां इक वार ही कढ लैणी। ठीक, मैनू उम्मीद है थानू ये समझ आई होगी। अगर तुसी पॉकेट लगानी है अंदरले पासे, तुसी चाहते हो कि असि अंदरले पासे पॉकेट लगाइए या बाहर डेकोरेट करिए, तुसी बाहर भी डेकोरेट कर सकते, बैच पॉकेट लगा सकते, कुंगी लगा सकते, एंड इसको डिजाइनदार भी बना सकते, एक्चुअली तुसी टोर्स भी लगा सकते, ठीक है, लैस भी लगा सकते हो, क्योंकि लड़की लड़कियां बनदियां ने अपन लड़कियां के हिसाब से, तुसी इत्थे पेंट भी कर सकते ताकि अच्छे तरीके डेकोरेट करो। तुसी किचन च काम करना है, कपड़े नीचे वाला गिला ना हो, फॉर्म पाके क्विटिंग भी कर सकते। ठीक है, नीचे पोलोथीन शीट भी लगा सकते हो, कुछ भी एनीथिंग जो थोड़े दिमाग का आइडिया आते हैं इतने कर सकते हो, लेकिन इसमें बटन का तरीका सौखा, सब तो सौखा तरीका। जब थानू कमर चाहिए है तो तुम इतने बॉक्स प्लेट्स वगैरह पा सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, कमर के हिसाब से ना ले। थैंक यू, मैं उम्मीद है समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक यू।